पहले ओम प्रकाश जी नहीं किए, पिछले 5 साल से कविता सिंह जी होने किए, दोनों आदमी दोषी हैं इसके लिए। प्लस वर्तमान जो भी यहाँ पे MLA रहे हैं 15-20 साल के अंदर, सबको ही उसके दोषी हैं। वर्तमान या पूर्व नेतृत्व जो भी हैं, अगर कुछ किए रहते तो हम जैसे लोगों को राजनीति में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्पेशली मुझे, अब सबको ही आता है कुछ मकसद लेके, मेरा मकसद ये है कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे। विकास उसे कहते हैं अगर रोड 5 साल पहले 10 फीट का तो आज 12 फीट हो जाना चाहिए था, जहाँ पे रोड 20 फीट का वहाँ पे डिवाइडर हो जाना चाहिए था, पहले रोड एक्सीडेंट 100 होते थे तो आज 10-20 होने चाहिए थे, जहाँ पे क्राइम अगर पहले 100 होता था वहाँ पे 20-30 होते थे। आप हिंदूवादी छवि बन के आते हैं पगड़ी बांध के, अभी आए लोग मतलब जब इलेक्शन आएगा तो कोई BJP से कोई कुछ कोई मतलब अपने आप को एकदम हिंदूवादी बनेंगे गेरुआ पहन के। अगर आप हिंदू होते तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, अपने पॉकेट से नहीं करना है कि आप अपने पॉकेट से कर दीजिएगा, अपना वोट लगे तो आपकी है, आपको सरकार के फंड से ही करना है, हमारे टैक्स से ही आपको करना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूँ आपके साथ विशाल गौरव। और आज फिर मेरे साथ प्रकाश मणि तिवारी जी हैं जो सिवान के लोकसभा प्रत्याशी होने वाले हैं आने वाले चुनाव में, और चुनाव आज से ज़्यादा दिन भी नहीं है। तो आज कुछ नए मुद्दों पर बात करेंगे और सिवान की समस्या पर भी बात करेंगे, और जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है और सिवान लगातार चर्चाओं में रहता है उस पर भी बात करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। नेता जी स्वागत है आपका। धन्यवाद विशाल जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन। कैसे कैंपेनिंग चल रही है, कैसे आप लगातार घूम रहे हैं, आज फिर बढ़रिया में मिले हैं, मैं देख रहा हूँ कि लगातार आते रहते हैं आप, कैसे कैंपेनिंग चल रही है? नहीं, बढ़िया चल रहा है, मैं तो मेरा रोज का यही एक तरह से कहिए तो ड्यूटी हो गई है कि रोज कहीं ना कहीं घूमना, किसी क्षेत्र में लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, उनकी समस्याओं को समझना, अपनी जो विचारधारा है उसको लोगों के सामने रखना, तो यही चल रहा है। मैं आए दिन देख रहा हूँ सिवान ज़िले में एक राजनीतिक जो मतलब आपराधिक घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती आ रही हैं, देख रहा हूँ कि कहीं भी किसी का भी मर्डर हो जाता है, लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है सिवान, क्या कहिएगा इसको, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत सीधा साधा मतलब स्पष्ट है, जैसे हम लोग नेतृत्व चुनेंगे वैसा ही असर होगा समाज पे। जो भी नेतृत्व हमारे यहाँ, उनका अगर आप फास्ट रिकॉर्ड उठा के देखें तो कहीं ना कहीं क्राइम से लिप्त रहे हैं लोग, जिसका नतीजा है कि ज़िले में क्राइम इतना हाई लेवल पे है। अगर नेतृत्व चाहे MP MLA चाहे तो बिल्कुल प्रशासन के साथ मिल के इस पर अंकुश लगा सकते हैं। अब कोई कहे कि MP से बड़ा कोई पावर होता है, MLA इन लोगों से कोई बड़ा पावर होता है, तो मुझे नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो ऐसे लोगों को राजनीति में रहना ही नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए, तो आप सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं जो वर्तमान सांसद हैं या फिर नेता लोग हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं, ये बताइए कि जो सिवान की महिला सांसद है कविता जी, उनका कार्यकाल कैसा लगा, क्या आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं, वाकई में जो सिवान में विकास होना चाहिए वो हो पाया है? देखिए, अगर कार्यकाल की बात की जाए तो मुझसे बेहतर आप जितने जनता से पूछ लेंगे आस पास हैं आपको पता चल जाएगा। अगर हमारे वर्तमान या पूर्व नेतृत्व जो भी हैं अगर कुछ किए रहते तो हम जैसे लोगों को राजनीति में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्पेशली मुझे, आप सबको ही आता है कुछ मकसद लेके, मेरा मकसद ये है कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे। जो भी नेतृत्व यहाँ पर जीते हैं वर्तमान हो या पूर्व, उनका जीवन स्तर तो सुधर गया है, उनका जीवन स्तर जमीन से लेकर आसमान पहुंच गया है, देखिए उनके। लेकिन क्या उनके लोकसभा या विधानसभा के जो भी क्षेत्रीय लोग हैं, जो ग्राम के लोग हैं, उनका जीवन स्तर सुधरा है क्या? आज भी पलायन पे मजबूर हैं, आज भी बाप दादा 3-3 पीढ़ियाँ बेरोजगार आज भी हैं, वो जैसे वो पहले जीते थे आज भी जी रहे हैं, ना उनके खाने का स्तर सुधरा है, ना पहनने का, ना रहने का। अगर चीज़ों में सुधार हुआ रहता तो शायद हम जैसे लोगों को इसमें आने की जरूरत नहीं रहती। और विकास अगर आपको दिख रहा है तो बताइए, विकास उसे कहते हैं अगर रोड 5 साल पहले 10 फीट का तो आज 12 फीट हो जाना चाहिए था, जहाँ पे रोड 20 फीट का वहाँ पे डिवाइडर हो जाना चाहिए था, पहले रोड एक्सीडेंट 100 होते थे तो आज 10-20 होने चाहिए थे, जहाँ पे क्राइम अगर पहले 100 होता था वहाँ पे 20-30 होते, तो इसको विकास कहते हैं कि कुछ घटा है। हर बाज़ार में आज ट्रैफिक की समस्या है, कोई ऐसा बाज़ार नहीं है ज़िले में जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या ना हो। देखिए, ट्रैफिक की समस्या और बढ़ गई है,
तो विकास अगर आपको लगता है तो विकास किसे कहते हैं, आप विकास का पैमाना क्या है, मेजरमेंट किसे करते हैं, तो मेरे नज़र में विकास उसे कहते हैं जिससे हर एक आदमी का जीवन स्तर सुधरे, शिक्षा का स्तर सुधरे, स्वास्थ्य का स्तर सुधरे, रोजगार की वृद्धि हो, हमारे रोज आवागमन की सुविधाएँ बढ़ती चली जाए, इसे विकास कहते हैं। जिले में कहीं भी एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं, पूरे बाज़ार में आप देख लीजिए, अगर एक भी शौचालय किसी बाज़ार में बना तो हम कहते हैं हाँ चलिए भाई, किसी का ध्यान गया, कुछ तो विकास हुआ है, किसी की सोच अच्छी है कि हमारी माता बहनों को रोड के किनारे नहीं बैठना पड़े, एक सुलभ शौचालय बना दिए। आप हिंदूवादी छवि बन के आते हैं पगड़ी बांध के, अभी आए लोग, मतलब जब इलेक्शन आएगा तो कोई बीजेपी से, कोई कुछ, कोई मतलब अपने आप को एकदम हिंदूवादी बनेंगे गेरुआ पहन के। अगर आप हिंदू होते तो आपको ये समझ में आनी चाहिए थी कि हमारे जिले में कहीं भी एक शमशान स्थल नहीं है, अधजला लाश अपने परिजनों का लोगों को नदी में छोड़ के आना पड़ता है बरसात के दिनों में, क्या आपको पता नहीं है कितनी माता बहनें जो डिलीवरी के समय दम तोड़ देती है, क्या आपको समझ में नहीं आता है ट्रैफिक में कितने लोग दम तोड़ देते हैं, माइनर एक्सीडेंट भी होता है तो लोगों को पटना गोरखपुर भागना पड़ता है। तो विकास का परिभाषा मेरे नज़र में ये है कि हर चीज़ में सुधार होना चाहिए, ये ना कि आपके केवल जीतने के बाद आपका जीवन स्तर एकदम रॉकेट की स्पीड से बढ़ गया और लोगों का जीवन स्तर बद से बदतर हो गया। अच्छा, प्रकाश मणि तिवारी जी हैं जो शिशु अंडाला है उसका काफ़ी बड़ा मुद्दा है और हम भी कई बार उस समस्या से गुजरते हैं और सिवान की सारी जनता उस समस्या से गुजर रही है, उसको लेकर प्रकाश मणि तिवारी जी क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ चाहे वहाँ रहा है, अगर रियली आपको जनता के इस प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना रहता तो ये समस्या आज से नहीं, पिछले 15-20 साल से है, 15-20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, किसी सांसद ने इस पे आवाज उठाई हो? मगर एक दूसरे पे तो आरोप होते रहता है। आपको करना रहता तो आप 15-20 साल के अंदर, जो भी पहले सांसद ओम प्रकाश जी, वर्तमान कविता सिंह जी हैं, आप उतना अगर बजट नहीं आ रहा है, मान लीजिए फ्लाईओवर के लिए आप सबवे बनवा दिए रहते, टेम्प्रोरली कुछ तो सॉल्यूशन मिला रहता, आप चाप ढाला से कुछ कनेक्टिविटी करवाते जो सिसवन मेन रोड में कनेक्टिविटी हो जाता, कुछ आपका जो बड़े बड़े गाड़ियां उधर से डाइवर्ट कर जाती। तो देखिए, जहां चाहे वहां रहा है, जब आपको करना ही नहीं है तो झुटमुट का बस आप हवा कीजिएगा, हल्ला कीजिएगा, पुल बन जाएगा, हम बनवाएंगे, मेरे नाम से बने, तो ये सब चीज़ें तो मानसिकता पे डिपेंड करती है, आपकी सोच क्या, आप कितना लोगों के बारे में सोचते हैं। तो कौन दोषी है, कविता जी दोषी हैं कि ओम प्रकाश यादव जी दोषी हैं? मैं सबको दोषी मानता हूँ, पिछले ये समस्या आज से नहीं है, 15-20 साल से है, जो भी पहले ओम प्रकाश जी नहीं किए, पिछले 5 साल से कविता सिंह जी होने किए, दोनों आदमी दोषी हैं इसके लिए, प्लस वर्तमान जो भी यहाँ पे MLAs रहे हैं 15-20 साल के अंदर, सबको ही उसके दोषी हैं। ये तो जनता की समस्या है, सबसे पहले आपको दिखनी चाहिए, आप इनके ऊपर उनके ऊपर ये दोषी है वो दोषी सब बस नहीं है, काम हो रहा है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, आपको अपने पॉकेट से नहीं करना है कि आप अपने पॉकेट से कर दीजिएगा, अपना बोर्ड लगे तो आपकी है, आपको सरकार के फंड से ही करना है, हमारे टैक्स से ही आपको करना है, लेकिन आप नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा खर्च लगेगा, फंड से कम पैसा बचेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस पर आप खर्च नहीं की क्योंकि आपको जनता के बारे में सोचना ही नहीं है। अच्छा, चलिए तो अगले मुद्दे पर बात करते हैं, ये बताइए कि एक तरफ भाजपा है और एक तरफ महागठबंधन है जो इंडिया गठबंधन बना है और लगभग लग रहा है कि मुझे सिवान में सारे प्रत्याशी तय हैं, तो उसमें प्रकाश मणि तिवारी जी अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या जनता वाकई में जनता के दिल में वो जगह बना पाएंगे? देखिए, वो तो समय बताएगी, मैं तो एक स्वच्छ और सकारात्मक राजनीति की शुरुआत का प्रयास कर रहा हूँ, मेरा ये प्रयास है कि मेरे आने से, जितना हारना दूर की चीज़ है, मेरे आने से बहुत सारे युवा जो हैं उनको ये बल मिलेगा कि कल के डेट में 2025 में MLA का इलेक्शन लड़े, कोई ब्लॉक प्रमुख का लड़े, कोई मुखिया का लड़े, जो सही में अच्छे युवा हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, जो निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, जिनको समाज का असली समस्या दिखाई देता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग इस फील्ड में आएँ, जब तक अच्छे लोग इस फील्ड में नहीं आएंगे लोगों को विकल्प नहीं मिलेगा, तो मैं तो एक विकल्प हूँ, लोगों को अगर लगेगा कि मेरे मुद्दे, मेरे जो भावना है या मेरा जो प्रयास है लोगों के जीवन स्तर को सुधार सकता है, एक सकारात्मक राजनीति ला सकता है, आने वाले समय में हमारे बच्चे सुरक्षित रहें क्राइम से, नशा से,
तो लोग मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे और बहुत सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है मुझे, इसलिए मैं इतना इफेक्टिवली गांव-गांव घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। अगर मुझे बल नहीं मिलता तो मुझ में इतनी इच्छा शक्ति आती कहां से, इतना एनर्जी आता कहां से, आप ही बताइए। एक अकेला लड़का लोकसभा का चुनाव अकेले दम पे अकेले घूमता है, कोई है आज तक जो घुमा हो बताइए। अच्छा, पिछले दिनों मैं देख रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सिवान में लगातार चल रहे थे और कई सारी पार्टियों से भी आपकी बातचीत चल रही थी, क्या वाकई में आप कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, अभी तक तो वैसा कुछ नहीं है। पिछले कुछ दिन पहले मतलब जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी से मैं मिला था, तो उनसे मैं क्या कर रहा हूँ इन सब चीज़ों में डिस्कशन हुआ था। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पार्टी सपोर्ट करिए, मैं किसी पार्टी से आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ, मैं अभी भी निर्दलीय हूँ। आगे हाँ बिल्कुल, कोई अच्छी स्वच्छ राजनीति वाली पार्टी मुझे सपोर्ट करेगी, क्योंकि बड़ा इलेक्शन है, अगर लोगों का सपोर्ट मिलता है तो मैं इसे काफ़ी मजबूती के साथ लड़ पाऊँगा और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊँगा। अकेले लड़ना है तो कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छा, पिछले दिनों मैं देखा था और लगातार सोशल मीडिया पर न्यूज़ चली थी कि प्रकाश मणि तिवारी जी का पोस्टर फाड़ दिया गया है, और मैं ये भी सुना था कि आपके द्वारा कहा जा रहा था कि आप स्वच्छ राजनीति करना है, मगर इस तरह की जो राजनीति परिदेश से और भावना से पोस्टर फाड़ा जा रहा है, क्या वाकई में लड़ पाइएगा इन लोगों से? देखिए, ये तो लोगों की ओछी मानसिकता। और क्या हुआ था, घटना क्या था? एक्चुअली घुटनी मोड़ पे एक पोस्टर लगा था मेरा, तो लोगों ने उसे फाड़ दिया था, और तो काफ़ी मतलब मुझे दुख लगा था कि भाई मतलब पोस्टर काफ़ी कॉस्टली आते हैं और मुझे जो भी करना है अपने बच्चों का हक ही मतलब लगाना है, उसमें जो पैसे हैं अपने बच्चों के लिए रखा हूँ वही पैसे मुझे खर्च करने हैं, तो उसमें भी मतलब एक फाइनेंशियल लॉस हुआ एक तरह से देखा जाए। लेकिन ठीक है, इससे मेरा मनोबल गिरने वाला नहीं है। कुछ पल के लिए मैं दुखित हुआ था, लेकिन फिर आप जैसे मीडिया दोस्तों ने मुझे काफ़ी मतलब हौसला दिया। तो क्या प्रकाश मणि तिवारी डर गए हैं कि उसी हौसला के साथ, क्या हौसला बढ़ा है उसके बाद से? देखिए, हर एक कठिनाई से हौसला बढ़ता है, अगर हौसला गिरा रहता तो इस ठंड में जहाँ पे सब कोई अपने हीटर और एसी में पड़े होंगे, प्रकाश मणि तिवारी ऐसा बंदा है जो चारों तरफ घूम रहा है, तो हौसला कहाँ झुकने का नाम लेता है। क्या तो डरेंगे आप आगे? किसी भी मतलब कीमत पे डरने वाले तो नहीं, हम युवा हैं, जो डर गया सो मर गया, तो डरने की तो बात ही नहीं आती है। क्या कहिएगा सिवान के जो भी युवा हैं, लोग हैं, लगातार आपको सुनते हैं और देखते हैं, क्या उनको उन तक संदेश दीजिएगा? फिर अभी चुनाव तो नज़दीक है और लग रहा है मुझे बिगुल फूक चुका है जी। सबसे पहले सभी को मेरा नमन, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी के समक्ष मैं एक विकल्प हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि आपके भाई में वो कैलिबर है, सोच जो है लोगों का जीवन स्तर सुधार सकता है, तो आप मेरा सपोर्ट करें, नहीं तो जो हमसे बेहतर है सबको मिलकर उसका सपोर्ट करेंगे। चलिए, इस वीडियो को यहीं अंत करेंगे, और आप देख सकते हैं ये ठंड के मौसम में ये लगभग बढ़रिया प्रखंड का सदरपुर गांव के समीप हम लोग खड़े हैं और यहीं पर इनसे मुलाकात हो गई। तो इस वीडियो पे आपकी क्या राय, और अगर आपके भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।